बापू, सनातन धर्म में मंत्र बोल के महत्तर क्या है? मंत्र, हाँ, मंत्र तो भगवान के उपासना में भगवान की स्तुति विनती करना ही मंत्र है। जिसे गजाननम भूत गड़ा दिखे भी तम कुछ जम फल चार भक्षण घुमा सुतम तो कुना के कार्यक्रम नमान विहीन चल फाल पर जब ये मंत्र ही तो है। हाँ, ये भगवान की स्तुति है, स्वरूप का वर्णन है। मंत्र बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसमें समय अधिक देना पड़ता है। राम मंत्र दो अक्षर ढाई अक्षर का है, तो कभी दास कहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुड़ा मुआ पंडित भया न कोई और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित यानी ज्ञानवान विद्वान, जिस विषय का पूरा उसको सांगोपांग ज्ञान है वो उस पंडित उस विषय का पूरा पंडित है, यानी विद्वान है, ज्ञानी है। तो मंत्र तो बिल्कुल छोटा होता है। सभी मंत्रों में नमः शक्ति दिया गया है। नमः शक्ति यानी नम्रता पूर्वक सबके सामने जो है नम्र हो जाना। उस मंत्र का जो है उस मंत्र का अभ्यास करते 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 उस जीव के अंदर अहंकार समाप्त हो गया, नम्रता भाव आ गया, तब उस मंत्र का जो है प्रभाव उसको दिखाई देगा। वाह, देवी के मंत्र में ह्रीम ढाई अक्षर का है, राम मंत्र में राम मंत्र ढाई अक्षर का है, विष्णु मंत्र में सब ढाई अक्षर का है। सभी मंत्र ही जो है का बीज मंत्र ढाई अक्षर का है। ढाई अक्षर मंत्र बीज में ही पूरा मंत्र के मंत्र का भाव है, उसी में छिपा हुआ है बीज के अंदर। इसलिए मंत्र जितना है छोटा है, लेकिन उसको एक मंत्र बार जपने का अलग महत्व, हजार बार जपने का अलग महत्व, लाख बार जपने का अलग महत्व, करोड़ बार जपने का अलग महत्व। जितने अधिक से अधिक संख्या में जाप करेंगे उतने ही जो अधिक वो मंत्र शक्तिशाली बनेगा। किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है, लेकिन उसे अपने तरफ से उसको शक्ति देना जप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको अपने तरफ से उसे शक्ति देना पड़ेगा। जब वो शक्तिशाली बन जाएगा फिर वो शक्ति जो है अपने में प्रवेश कर जाएगा, फिर अपने उस मंत्र के द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो सरल हो जाएगा। मंत्र शक्तिशाली बन जाएगा। उस मंत्र के द्वारा जो है हम जब करके कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो मंत्र जो है तुरंत शक्ति प्रदान करेगा अपन को। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बापू, ये गुरु सब कुछ चाहिए ना? गुरु को चाहिए गुरु, हाँ, भाव भक्ति, भाव में भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, भाव की आवश्यकता है। और निर्गुण मन ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। यदि जीव किसी भी जीव को पुरुष को महात्मा को